क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया, इस टाइम लेटी हुई है? तबीयत नहीं ठीक मेरी। चल तबीयत नहीं ठीक? चल मैं तो ये डॉक्टर के पास लेके चलूं। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे इतनी मेहरबानी करने की। हेलो, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चलो खाना लगा, मुझे भूख लग रही है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया। तुझे भूख लगी है तो बाहर जाके खा ले। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है मुझे? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? एक फरमाइश की थी तुझसे, वो भी पूरी नहीं कर सकता तू? ऐसी फालतू की ना फरमाइशें नहीं करती मेरे साथ जो मैं पूरी नहीं कर सकता। और फिर इंस्पेक्टर साहब, वो मुझसे रोज़ लड़ने लगी और ज़िद करने लगी कि तू मुझे कहीं से भी सोने का सेट बना कर दे। एक दिन जब मैं घर आया, ये तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अम्मा के घर। क्यों क्यों ना जाऊं? मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ दिन अम्मा के रह के आऊंगी। ओ अच्छा, मैंने तुम्हें सोने का हार नहीं बना के दिया तो तुम मुझे छोड़ के अम्मा के घर जा रही हो? पहले तो ऐसे कभी नहीं गई। मेरी मर्जी, तुझे कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। बेगम साहिबा को बताया? हाँ बता दिया। वापिस कब आएगी? जब मेरा दिल होगा आ जाऊंगी। चल मैं तो ये छोड़ आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बात तो सुन। नादिर, नादिर। जी बेगम साहब। मुझे बाजार जाना 10 मिनट के लिए, मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है बेगम साहब। नाज़री मुझसे नाराज होकर चली गई है। अगर उसे सोने का सेट बनाकर नहीं दिया तो वो मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी। कल मैं बेगम साहबा से बात करके पैसे उधार ले लेता हूँ, फिर पीसी लगाकर सारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह मैं नाज़ली के लिए एक सेट बना सकूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बेगम साहिबा से बात करता हूँ। हाँ बोलो। अब बेगम साहिबा, मैं पूछने आया था कि आपको कहीं जाना तो नहीं? फिलहाल तो नहीं। वो आपसे बात करनी थी। क्या मुझे 3 लाख उधार मिल सकते हैं? 3 लाख क्यों, किस लिए चाहिए? अगर मैं सच सच बताऊंगा तो आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे?
नहीं, बोलो। नाज़ली ने ना मुझसे कभी भी कोई फरमाइश नहीं की। शादी के बाद उसने पहली दफ़ा फरमाइश की है कि मैं उसे एक सोने का सेट बना के दूँ। मैं बीसी डाल के आपके सारे पैसे उतार दूंगा। नाज़ली नाराज होकर चले गई है और मैं समझता हूँ कि जब तक मैं उससे सोने का सेट नहीं बना के दूंगा ना, वो वापस नहीं आएगी। बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से? बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपको पता, जब मैं काम से फारिग होकर थक हार अपने घर पे जाता हूँ ना, तो उसे देख के मेरी सारी थकान उतर जाती है। काश मुझे भी प्यार करने वाला शौहर मिलता। क्या सोची हैं बेगम साहिबा? कुछ नहीं, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, रुक क्यों गया? आगे बता क्या हुआ। इसका मतलब बेगम साहिबा कहाँ है तुझे ये भी पता होगा। साहब, साहब मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई साहब। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। आगे बता, पहेलियां ना बुझा। बेगम साहब से हर रोज रात को मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। साहब शहर से बाहर थे तो हमें किसी का डर भी नहीं था। बेगम साहिबा, अगर साहब आ गए और उन्होंने हमें इस तरह देख लिया तो क्या हुआ? नहीं आएंगे वो दो दिन से पहले। और मुझे बेगम साहिबा मत कहा करो। अच्छा, बेगम साहिबा ना बोलूं तो क्या बोलूं? शाजिया, सिर्फ शाजिया। अच्छा शाजिया जी, ये तो बताएं मेरे काम का क्या हुआ? कौन सा काम? अरे वो ही जो मैंने आपसे पैसों का कहा था। देखे, अगर नाज़ली को मैंने सेट ना बना के दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। वो गुस्से की बहुत तेज है, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चले जाए। वो छोड़े या ना छोड़े, मगर तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो कि शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी तुम जाओ और सोच लो, शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। जी जी बेगम साहिबा। शाजिया, हाँ।